Hello students, my name is Subramanyam Arun. I am here to take your physics class. Today we will study about chapter light and the topics related with the light chapter, that is reflection and refraction. So first of all we should learn about what is light. Jo hame pata hona chahiye ki light, it is a form of energy which enables us to see different kind of objects around us. Hamare aas pas jitne bhi objects hain, हम उसको किस तरीके से देखते हैं, उसको देखने में हेल्प कौन करता है? लाइट. लाइट है क्या? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो सबसे पहले तो हम लाइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि इस चैप्टर में लाइट के बारे में क्या क्या समझाया गया है और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है. हमें हमेशा ऑर्डर पता होना चाहिए. तो सबसे पहले लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में आप जानोगे और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमिनास जिसको आप फैक्ट्स बोलते हो. लाइट क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकती है, तो उसमें आपके पास आएगा डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन. और रिफ्लेक्शन के अंदर भी प्लेन मिरर्स, कर्व्ड मिरर्स, जो हमारे घर पे होता है वो हमारा प्लेन मिरर होता है, कर्व्ड मिरर्स जो भी कॉनकेव कॉनवेक्स ये सब आपने सुना होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट. सो व्हाट इज लाइट? टुडे वी आर डीलिंग विद लाइट चैप्टर. ओके, I'll write some properties of light. First of all, what is light? Light is a form of energy. Light is a form of energy which enables us to see, which enables us to see objects. इसका क्या मतलब है कि light एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है. गुड. सेकंड, और हम लाइट के बारे में क्या जानते हैं? हमने पढ़ा भी है लाइट की स्पीड अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा होती है, ये हमें पता है. व्हाट इज दैट स्पीड? इट इज अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में लाइट एक जगह से 3 लाख किलोमीटर दूर तक जा सकती है. So that is the speed of light, 3×10⁸ meter per second. अच्छा, light travel किस direction पे करती है और कैसे करती है, तो उसमें भी हमें पता होना चाहिए. Light travels in a straight line. Always travels in a straight line. एक straight line पर light हमेशा travel करती है. अगर हम light को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन विद एन एरो एट वन ऑफ इट्स एंड इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट. अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो और एक एरो देते हो तो उसको आप बोलोगे रे ऑफ लाइट. इज इट क्लियर? ठीक है. इसी तरीके से जब बहुत सारी रेज एक ही डायरेक्शन पर हो, पैरेलल रेज टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, बहुत सारी रेज हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर है, तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट, व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? इट इज अ बंडल ऑफ रेस. बीम ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है? बंडल ऑफ रेस, बंडल ऑफ रेस. अभी हमने स्पीड के बारे में बात करी थी, स्पीड ऑफ लाइट. अगर हम स्पीड ऑफ लाइट लिखें, दिस इज योर पॉइंट. The speed of light in vacuum is 3×10⁸ meter per second. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर तक जा सकती है. ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये बात हमें पता होनी चाहिए. अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो उससे पहले हमें ये जो टर्म मैंने यहां लिखा है इसका नाम है वैक्यूम. वैक्यूम हम सबको पता है, एक ऐसी जगह जहां पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता, लाइक सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस हम जिसको बोलते हैं वहां पर कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है. ओके. फोर्थ, और लाइट के बारे में हम क्या जानते हैं? तो अगर वैक्यूम में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है तो एयर वगैरह में कम होना चाहिए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट
चेंज होनी चाहिए जब भी वो किसी मीडियम में एंटर करता है या मीडियम को चेंज करता है. यस, सो वी कैन राइट इट ऑल्सो द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन मीडियम चेंजेस. हर मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है और इसी कारण से लाइट जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेनास हमें दिखाता है, जैसे कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन. तो हम इसको भी यहां पर पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं. लाइट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेना. क्या क्या है वो? लाइक डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में आप पढ़ोगे अभी, रिफ्रैक्शन जो इस चैप्टर में है, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. हमारे लिए जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वो है डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. सो लाइट की हमने बेसिक प्रॉपर्टीज की हमने बात करी और हमें यह भी पता है कि लाइट जब किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो क्या ये जरूरी है कि उसके लिए मीडियम होना चाहिए? नो, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है. लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. वो किसी भी वैक्यूम की हमने बात करी, वहां पर कोई मीडियम तो प्रेजेंट नहीं होता, वहां कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता. एयर में जब आप आते हो तो एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के, इन सबके ऑक्सीजन मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यानी कि वहां पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है. इसी तरीके से लाइट आपने देखा होगा वाटर के अंदर भी ट्रैवल करता है. तो लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है और जरूरी नहीं है कि उसको कोई मीडियम की जरूरत हो. जैसे कि साउंड, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल. साउंड की स्पीड एयर में अलग होती है, वाटर में अलग होती है, बट अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. हम स्पेस में जाके क्यों नहीं बोल पाते? एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट से बात नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट फॉर द साउंड टू ट्रैवल. इज इट क्लियर? चलो, ये तो एक बहुत बेसिक टॉपिक था लाइट के ऊपर जो हमें समझना था. अब एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो फर्स्ट पेज आता है उसमें आप देखेंगे कि लाइट का एक ऐसा फिनोमिना जिसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया गया है, बट उसकी डेफिनेशन और वो क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन किया है. एंड दैट इज व्हाट? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इसका मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज around the corners of an obstacle is called diffraction of light. Sir, bending of light का मतलब यानी कि light एक straight line पे travel नहीं कर रहा? नहीं. इसमें क्या होता है कि अगर आप एक बड़ा object लेते हो, for example हमने दो rays बनाई जो कि एक straight line पे travel कर रहा है, और यहाँ पर आपने कोई बड़ा सा cylinder रख दिया, तो होता क्या है आप लोगों को पता है, सिलेंडर ओपेक है तो इससे टकरा के लाइट वापस चली जाएगी. अगर आपने इंसिडेंट किया है बिल्कुल सीधा तो वापस इसी डायरेक्शन पर मुड़ जाएगी, सीधा आ जाएगी. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमें पता है. बट अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटा हो, बहुत ही ज्यादा छोटा, लाइट जितना छोटा हो, लाइट की रेज के नैनोमीटर जितना छोटा हो, तो होता क्या है, ये लाइट रेज इस तरीके से बेंड हो जाती है कॉर्नर्स पे, इस तरीके से बेंड हो जाती है. अब बेंडिंग होने की वजह से होगा क्या?
अब जैसे इस ऑब्स्टिकल ने लाइट को यहां से पास होने नहीं दिया, तो इसके पीछे तो लाइट पहुंच नहीं पाएगी, इट विल क्रिएट अ शैडो हियर, यहां पर अंधेरा होगा और शैडो बनेगा। बट जब ऑब्स्टिकल बहुत छोटा होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से इस जगह पर लाइट आ जाएगी, लाइट इज प्रेजेंट हियर। अगर लाइट यहां पर आ जाएगी नो शैडो विल फॉर्म, शैडो तो कोई बनेगा ही नहीं यहां पे, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन में सिर्फ आपको इतना समझना है कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। जो मेन टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ हमने क्लास के स्टार्टिंग पे ही एक बात करी थी कि लाइट हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है उनको देखने में हेल्प करता है। तो कभी हमने ये भी सोचा होगा कि लाइट किस तरीके से हेल्प करता है। होता क्या है कि जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर आके टकराती है तो उससे टकराने के बाद वो अपने ही मीडियम पे वापस आ जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट आई, आपने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, ऑब्स्टिकल से टकराई, टकरा के वापस अपने ही मीडियम में वापस आ गई। अगर टकराने के बाद वो रेज आपकी आंखों पर आ जाती है, अगर वो रेज आपकी आंखों पे आती है तो आपकी आंखों के अंदर एक इमेज बनती है इस ऑब्जेक्ट की। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर इस रूम में हम लाइट को ऑफ कर दें तो यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि लाइट होगा तभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, और रिफ्लेक्शन होगी तभी हमारे आंखों तक वो लाइट रेज आएंगी और तभी इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा। सो लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑब्जेक्ट। अब कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है और ये क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंस ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, एक पॉलिश्ड ओपेक सरफेस पे जब लाइट रेज टकराती है, इट रिटर्न्स टू इट्स ओन मीडियम, इट रिटर्न्स टू इट्स मीडियम, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रिटर्निंग ऑफ लाइट रेज, द रिटर्निंग ऑफ द लाइट रेज इन इट्स ओन मीडियम, इन इट्स ओन मीडियम, अपने मीडियम पर वापस आना कब? व्हेन व्हेन इट इज इंसिडेंट, इंसिडेंट ऑन एन ओपेक पॉलिश्ड सरफेस, ओपेक पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप सिंपली एक बात भी बोल सकते हो, द रिटर्निंग ऑफ लाइट रेज इन इट्स ओन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपने मीडियम पे वापस आना किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक डायग्रामेटिक वे में हम समझते हैं, हमने यहां पर मेंशन किया है ओपेक पॉलिश्ड सरफेस। ओपेक एक सरफेस हमने बनाया है यहां पर और इसको हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश आप इस तरीके से डिनोट करोगे, किसी भी सरफेस के अगर बैक साइड पर ऐसे अगर हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो हम इसको पॉलिश्ड सरफेस कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस, और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमने यहां पे लिखा है द रिटर्निंग ऑफ लाइट रेज इन इट्स मीडियम, इन इट्स ओन मीडियम, तो रिटर्निंग वाले तो लाइट रेज को आना पड़ेगा, तो हम एक लाइट रेज ड्रॉ करते हैं। लाइट की एक रे, वन मिनट, इट इज अ लाइट रे, ठीक है, ये आकर इस पॉइंट पे टकराती है, यहां से रिफ्लेक्शन होता है सपोज इस डायरेक्शन, ठीक है। ये जो पॉइंट हमने यहां पर ड्रॉ किया है जहां पर ये टकराया है, इस पॉइंट को आप बोलोगे
point of incidence. Point of incidence. और इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे क्या मतलब है? इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे वो रे होती है जो ऑब्जेक्ट पे टकराने वाली है, जो ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद वापस जाने वाली रे को आप क्या कहोगे? आप कहोगे रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके टकराती है, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर, तो उसको हम नाम देंगे नॉर्मल. अनॉर्मल, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इट इज अ इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल. यहां पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद करनी है, इसको समझना है हमें. डायग्राम को देख के हम इसमें ही बनाएंगे, डायग्राम में क्या क्या है देखते हैं. सबसे पहले आपने इंसिडेंट रे देखा, इसी तरीके से एक टर्म आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस में मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं समझने के लिए कि ये क्या है, ठीक है. तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle made between, the angle made between the incident ray and the normal कहां पर, normal किस जगह पे, at the point of incidence, and the normal at the point of incidence is called angle of incidence, is called angle of incidence. तो अगर हम यहां पर angle of incidence बनाएंगे तो कहां बनेगा? क्या बोला गया है? The angle made between the incident ray and the normal at the point of incidence, that means this angle, incident ray or normal ke beech mein jo angle banega, sorry, your pen is this one, this angle is called angle of incidence, and it is denoted by kis tarike se aap isko represent karte ho, likhte ho angle I, angle ka sign dalkar small I. So, हम यहां पर बना सकते हैं एंगल आई. इज इट क्लियर? एंगल आई इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है. ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. इसी तरीके से एक और डेफिनेशन, एक और टर्म जो आती है वो है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत क्लियर हो गया होगा आपको इससे कि इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए. द एंगल मेड बिटवीन द, गुड, द एंगल मेड बिटवीन, किन दोनों के बीच में बनेगा ये? बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या सीधा नॉर्मल लिख देते हैं. रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को आप क्या कहोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नॉर्मल क्या था? नॉर्मल इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एक और लिख देते हैं इसको भी, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है. डिफाइन अ नॉर्मल, नॉर्मल. सो नॉर्मल रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है? द इमेजिनरी लाइन, the imaginary line drawn perpendicular, drawn perpendicular to the reflecting surface,
reflecting surface, एक imaginary line जिसको आपने draw किया है, किसके perpendicular? Reflecting surface के perpendicular. Is it clear? अगर question इसके ऊपर जो बनता है किस तरीके से बन सकता है, हम थोड़ा सा देखते हैं. Angle of incidence पे किस तरीके के questions पूछे जाते हैं और बच्चों से गलती हो जाती है. For example, एक question छोटा सा आपको यहाँ पे मैं draw करके आपसे पूछता हूँ. आपके पास एक reflecting surface है. This is your reflecting surface. And आपको पता है जो line draw की गई है, इस तरफ को कौन सा होता है? Polished surface. This is your polished surface. Polished surface. Polish नहीं करेंगे तो reflection 100% नहीं हो पाएगा. ठीक है? Reflection 100% होने के लिए ही हम polish करते हैं, उसको opaque surface बनाते हैं. तो आगे वाला surface कौन सा होता था हमारा? Reflecting surface. Right? Reflecting surface. So, अगर मैंने एक line draw की, जो कि incident ray है मेरा, इंसिडेंट रे, एंड इट मेक्स एन एंगल विद द सरफेस. ध्यान से सुनिएगा, द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दैट इज 50 डिग्री. 50 डिग्री एंगल बनाया है किसने? इंसिडेंट रे ने. किसके साथ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ. यहां पर मेंशन कर देते हैं, इंसिडेंट रे किसके साथ बनाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ. ठीक है, यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. This is our normal. और इस normal से एक reflected ray, क्योंकि टकराने के बाद वो किसी direction पे जाएगा, and that is your reflected ray. अब आपसे question किस तरीके से पूछा जाएगा? What is the angle of incidence? Simple सा question. What is the angle of incidence? Angle of incidence. Very simple. Angle of incidence की definition क्या पढ़ी थी हमने? The angle made between the incident ray and the normal at the point of incidence, है ना? तो incident ray और normal के बीच की line आपका answer होना चाहिए, ये वाला question. और हमें पता है normal surface के साथ कितना angle बनाता है? 90 degree. So अगर normal पूरा 90 degree बनाता है और incident ray ने 50 बनाया है, तो ये कितना होगा? 40 degree. So what is your angle of incidence? The angle of incidence is, the angle of incidence is 40 degree. 50 degree nahi. 50 degree surface ke saath bana hai. Not with the normal. Is baat ka hume dhyan rakhna hai. To is tarike se questions aate hain. Ab reflection ki definition humne dekhi. Ab reflection mein, yahan par maine jab ye diagram banaya, tab maine bola, कि रिफ्लेक्टेड रे किसी एक एंगल में जाएगा, तो क्या किसी भी एंगल में जा सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं. इसी के ऊपर कुछ लॉज बनाए गए, तो यहां पर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं. क्या क्या हैं वो? सबसे पहला, The incident ray, the reflected ray, and the normal, कहाँ का normal? At the point of incidence, and the normal at the point of incidence. Point of incidence all lie in the same plane, in the same plane. यहाँ पर इस same plane का मतलब है कि आप imagine कीजिए आपका जो register है उसको सीधा खड़ा करके, तो अगर register के अंदर light ray enter हो रही है तो निकलते time भी उसी register से निकले, किसी और डायरेक्शन पे नहीं. दैट इज कॉल्ड अ प्लेन ऑफ, यू कैन से अ प्लेन. ठीक है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, लाइक दैट. दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस
is always equal to the angle of reflection. The angle of reflection. क्या है ये चीज कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था और इसको डिनोट किया था एंगल आई से. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम डिनोट करते हैं एंगल आर से. ठीक है बेटा, सो आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. अब हमने जो क्वेश्चन पीछे किया था अभी अभी, उसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला था और वो कितना आया था 40 डिग्री. इज इट क्लियर? हम देख सकते हैं यहां पर 40 डिग्री. सो अगर आपसे पूछा जाए इसी के साथ साथ व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गुड, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहां से आप इजीली बता सकते हो 40 डिग्री. व्हाई 40 डिग्री? बिकॉज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इस बात का ध्यान आपको रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा. ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इमेज, इमेज फॉर्मेशन. इमेज, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमेज होता क्या है. इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का एक उसी तरीके से बनाया हुआ एक रूप, राइट? ये हमें पता है, इमेज हम बनाते हैं. इमेज कितने प्रकार के होते हैं आपने पढ़ा भी होगा. इमेज दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज. रियल इमेज वो इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते. वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हो सकती. ये तो हमने पहले भी सुना है, बट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे आप किसी शीशे के आगे खड़े हो, एग्जांपल ले लो, आप किसी शीशे के आगे खड़े हो, आप जब तक शीशे के आगे खड़े हो तब तक आपकी इमेज उस शीशे पे दिखती है. ऐसा होता है क्या कि आप शीशे से हट गए सामने से, सॉरी, आप शीशे से हट गए और आपकी इमेज वहीं पर खड़ी है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. वैसी इमेज जिसमें ऑब्जेक्ट जब तक उसके सामने है वो रहेगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट हट जाएगा इमेज भी हट जाएगी, उन इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं. वो मिरर के अंदर बनती है, नॉट ओनली मिरर, लेंस वगैरह में भी बनती है, बट अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर के अंदर बनती है. ऑब्जेक्ट मिरर के बाहर होता है, मिरर के अंदर बनती है. सो वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होते हैं जो कि स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं हो सकते. रियल इमेज की अगर हम बात करें, रियल इमेजेस वो इमेज होते हैं जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप कैप्चर करते हैं कैमरा वगैरह से, जो कैप्चर करते हैं फोटोज, नेगेटिव्स जो बनती हैं, वो सारी की सारी रियल इमेजेस होती हैं. उन इमेजेस का क्या है कि उसको आपने एक बार फोटो क्लिक किया कैमरा पे, उसके बाद आप कभी भी उसको देख सकते हो. इमेज वही रहती है, फिक्स रहती है, उसी जगह पे रहती है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड रियल इमेज. ठीक है, सो हम यहां पर इमेज की बात करेंगे. इमेज, एन इमेज आर ऑफ, इट इज ऑफ टू टाइप्स. कौन सी इमेज? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें पता होना चाहिए बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, या गिव सम डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है. तो सबसे पहले रियल इमेज क्या होता है? इट इज अ इमेज विच इज फॉर्म्ड, इट इज अ इमेज, सॉरी, इट इज एन इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन which is formed when the light rays, when the light rays after reflection actually meet at a point. किसी एक पॉइंट पर जरूर मीट होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने.
सो वर्चुअल इमेज में क्या होता है देखते हैं. इट इज एन इमेज, एक ऐसी इमेज विच इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज appears to come from behind the mirror. ये meet नहीं करती रेस after reflection, ठीक है. Behind the mirror का मतलब क्या है देखते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं यहां पर. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है बेटा, एक मिरर है. मिरर में लाइट रेज मान लीजिए ऐसे दो रेज गई सीधी नहीं, इसको हम इंसिडेंट रे बनाते हैं किसी एंगल पर. फॉर एग्जाम्पल ऐसे गई, ठीक है. तो यहां से ऐसे गई और ये ऐसे चली गई, ठीक है. और इस ऑब्जेक्ट ने एक और रे इस डायरेक्शन पे कुछ ऐसे भेजा. अब यहां पर आपको पता ही है ये जो रे है, यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, ये जो रे है ये दोनों रेज कौन सी हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है. टकराने के बाद जाने वाली जो रेज है उनको आप कौन सी बोलते हो, रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे दोनों की दोनों मीट नहीं कर रही, तो मीट नहीं करती तो हमें ऐसा लगता है कि ये पीछे से कहीं से आ रही है. अभी अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं, ओहो ये तो पूरा हट गया, एक मिनट, जस्ट अ सेक. मिरर, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट ने दो रेज इस तरीके से दी है, ठीक है. ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे, इसका रिफ्लेक्टेड रे. हम यहां पर इमेजिन ये कर सकते हैं कि ये रे कहीं पीछे से आई है, लाइक दिस. सो यहां से आई है, ठीक है. तो वर्चुअल इमेज बनी कहां पर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर. तो जब मिरर के अंदर बनती है इमेज तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज. रियल इमेज मिरर के बाहर बनती है. हम कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जब करेंगे तब उसका एग्जाम्पल समझेंगे. आगे बढ़ते हैं. दूसरा पॉइंट मैंने रियल इमेज पे क्या बताया था, दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, राइट. वर्चुअल इमेज, दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसको आप एक स्क्रीन पर पकड़ नहीं सकते हो. यू कांट ऑब्टेन्ड, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. जब तक ऑब्जेक्ट उसके सामने रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, तब तक वो इमेज रहेगी. जैसे ही ऑब्जेक्ट उसके सामने से चले जाएगा, मिरर के सामने से, इमेज भी चली जाएगी, एंड दैट इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है. इज इट क्लियर. और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हमें क्या डाउट, मतलब डेफिनेशन हो गई. एक इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, चीज का हमें पता होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बाद हमारा है मिरर फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर. प्लेन मिरर होता क्या है, क्या हम सबने प्लेन मिरर देखा है? यस, हमारे घर पे जो मिरर हम यूज करते हैं वो एक प्लेन मिरर है, एक सीधा सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस है, जिसके पीछे, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो हम शीशा घर पे देखते हैं कभी टूट गया हो तो उसके पीछे आपने नोटिस किया होगा सिल्वर कलर की एक पेंट किया जाता है, ऑरेंज सा पेंट होता है, सिल्वर होता है, ठीक है. तो सिल्वर से पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक हाईली पॉलिश
सरफेस बन सके, एक हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन सके। पीछे अच्छे से पॉलिश किया जाता है उसे, ताकि जो उसके सामने वाला सरफेस है वो एक मिरर बन सके, एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन सके। जो हमारा मिरर होता है इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक प्लेन मिरर को हम ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, एक फ्लैट सरफेस जिसके पीछे पॉलिश कर दिया गया। दिस इज योर प्लेन मिरर। ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर में ये वाला जो सरफेस है वो कौन सा है, पॉलिश्ड सरफेस, या अभी अभी हमने बात करी थी, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसके ऑपोजिट वाला। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज इट क्लियर, ठीक है। हम एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम, एक पॉइंट साइज, पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा, थोड़ी दूरी पर लेते हैं। लेट अस सपोज यहां पर डार्क कलर यूज करते हैं इसके लिए, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट रेज, लाइट रेज जब एमिट करता है, रेडिएट करता है, तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन पे नहीं करता, वो इन ऑल डायरेक्शन करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट ने एक ही रे छोड़ी थी जो आपके आंखों तक पहुंची है, ऐसा नहीं है। उस ऑब्जेक्ट ने हर डायरेक्शन पे रेज छोड़ी है, तो उसी तरीके से इसने भी हर डायरेक्शन पे रेज छोड़ी होंगी, कुछ ऐसा 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 और ऐसा। तो इसमें से हम दो से तीन रेज हम ड्रॉ करेंगे। लेट अस सपोज एक रे सीधी गई, ठीक है, सीधी सीधी गई, दैट मींस इसने सरफेस के साथ एंगल बनाया 90 डिग्री, सरफेस के साथ एंगल बनाया 90 डिग्री। यहां पर क्वेश्चन कभी कभी ये भी अराइज होता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सोचिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे का क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे का होगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्योंकि इसने सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाया है। नॉर्मल के साथ कितना बनाया होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो यहां से नॉर्मल अगर आप बनाओगे वो भी 90 डिग्री पे होगा, तो नॉर्मल और 90 डिग्री दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही ओवरलैप हो गए एक दूसरे के ऊपर, तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ, जीरो। के बीच का एंगल क्या हुआ, जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ये हमारी दूसरी रे है, ठीक है। एक और रे बनाते हैं हम यहां पर, एक तीसरी रे भी बना लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है कि एक इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस पर टकराती है तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा, तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग लाइन हो गया, रिफ्लेक्टिंग रे, राइट। इसी तरीके से इस रे का भी एक रिफ्लेक्टिंग रे होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई, तो यहां पर भी एक रिफ्लेक्टिंग रे कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहां वाला क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो, सेम पाथ पर ट्रेवल कर जाएगा। ये बात समझ में आई, अगर रे किसी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आके टकराता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो होगा क्या कि इसका इंसिडेंट एंगल तो जीरो हो गया, इसका रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो होगा तो ये सीधा वापस आएगा, अगर किसी एंगल पे टकराता तो एंगल पे वापस आता था, है ना, किसी एंगल पे टकराता तो एंगल पे वापस आता था, और वो एंगल दोनों इक्वल होते थे, तो अगर ये जीरो तो ये भी जीरो। चलो अब इसका इमेज कैसे बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो मीट नहीं कर रही, मीट नहीं करती, तो हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये जो रे है, ये वाली जो रे है, ये वाली रे, ये कहीं पीछे से आ रही है, तो हम इसको डॉट करके पीछे की तरफ ले जाएंगे। स्केल रख के आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। और यहां वाली जो रे है इसको भी हम पीछे की तरफ ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल स्केल रख के आप अच्छे से बनाइएगा, बहुत बढ़िया डायग्राम बनेगा अगर स्केल से बनाएंगे तो, कुछ ऐसा। तो हमें ऐसा फील होता है कि ये तीनों की तीनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट से आ रही है, और ये पॉइंट कहां है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर। दैट मींस दिस इज व्हाट, योर इमेज, दिस इज योर इमेज, और ये इमेज अंदर बनी है, हम इसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक है।
और ये वर्चुअल इमेज किसने बनाया? प्लेन मिरर। किसने बनाया? प्लेन मिरर। साइज, यहां पर भी पॉइंट साइज, यहां पर भी पॉइंट साइज, यानी कि सेम साइज की इमेज बनेगी। आप शीशे के आगे खड़े होते हो तो आपको आपकी इमेज कैसी लगती है? बिल्कुल जैसे आप हो वैसे ही लगती है। कभी छोटी बड़ी, हाइट बड़ी या छोटी, ऐसा तो नहीं लगता। या पतले हो आपको मोटा दिखता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्लेन मिरर जो इमेज बनाती है वो सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। और इवन आपने ये भी नोटिस किया होगा, आप जितनी दूर इमेज मिरर से खड़े हो उतना ही अंदर, मिरर के अंदर उतने ही अंदर आपकी इमेज बनती है, यानी कि सेम डिस्टेंस। प्लेन मिरर से सेम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस मेंटेन करेगा, जितने डिस्टेंस पे होगा उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है। प्रॉपर्टीज यहां पर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। प्रॉपर्टीज इज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो? सबसे पहला, अभी देखिए इमेज, देखिए इमेज से पता चल जाएगा आपको, हमने जो प्लेन मिरर पर बनाया था, ये पॉइंट साइज है तो ये भी पॉइंट साइज है ना? तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज सेम होगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या बता सकते हो? इमेज कैसा बना था? वर्चुअल। इमेज कैसा बना था? वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल के साथ एक और पॉइंट आता है, द इमेज फॉर्म्ड, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट का क्या मतलब होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। और आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी इमेज वर्चुअल होगा वो इरेक्ट भी होगा। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों साथ में आते हैं। अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा। आपकी इमेज जब प्लेन मिरर के अंदर बनती है, जैसे आप सीधा खड़े हो वो भी सीधा इमेज बनती है, ऐसा कभी नहीं होता, उल्टी इमेज बनती है। और क्या पॉइंट आप इसमें बता सकते हो? अभी बताया डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, जो इमेज बनी है उसके डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज का भी डिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर? ओके, फिफ्थ पॉइंट, जो कि एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आपके पास एक मिरर है, घर पे है, मिरर है, दिस इज योर प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, अगर आप इसके सामने किसी ऑब्जेक्ट को खड़े करते हो, एक पर्सन इस तरीके से खड़ा है और उसने अपना राइट हैंड ऐसे ऊपर उठाया हुआ है और लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जब इमेज बनेगी तो कुछ इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले तो उस पर्सन की इमेज बना देते हैं, दोनों के पैर हैं। ठीक है, पर्सन का ये इसका लेग हो गया, इसका शरीर गायब हो गया। ठीक है, सेम साइज, तो इसका साइज भी छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब इसका जो हैंड है, इधर वाला हैंड ऊपर की तरफ है, यस, और इधर वाला हैंड नीचे की तरफ बनेगा। दिस इज योर इमेज, कौन सा? ये आपका इमेज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने अपना राइट हैंड उठाया है, सॉरी,
ऑब्जेक्ट ने अपना राइट हैंड उठाया है तो इमेज ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है, इमेज का वो लेफ्ट हैंड है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड. द इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट अपना राइट हैंड उठाता है तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा. इस बात का ध्यान रखिएगा. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इजी हैं, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है. अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो अपना इमेज, अपने घर पे अपनी फोटो याद कर लीजिएगा, कैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो किस तरीके की इमेज बनती है. क्लियर? हमने रियल एंड वर्चुअल इमेज की जो डिफरेंस है उसमें एक और ऐड कर सकते हैं हम, और वो क्या है अभी बताता हूं. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, कैसा होता है? द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधा. द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज जब भी बनाएगा वो इमेज इन्वर्टेड होगी. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. मतलब अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो रियल इमेज जब बनेगी तो वो उल्टी बनेगी, और वर्चुअल इमेज जब भी बनेगी तो वो सीधी बनेगी. तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो. ठीक है. सो आज हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हम देख लेते हैं. ठीक है. लाइट के बारे में सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग हमने करी थी लाइट. ठीक है. लाइट क्या, लाइट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट. और लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है. इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने एक सिंगल रे ड्रॉ करी है तो उसको आप बोलोगे रे ऑफ लाइट. अगर बहुत सारी रेज को, पैरेलल रेज को अगर आपने ड्रॉ किया है तो उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट. इज इट क्लियर? उसके बाद आपका पॉइंट था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड था. ठीक है, आप उसको चेंज कर सकते हो. स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन मीडियम चेंजेस. इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अगर स्पीड एयर में ट्रेवल कर रहा है, लाइट अगर एयर में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, जैसी वो पानी में जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी. बात समझ में आई? उसकी स्पीड कम हो जाएगी. और लाइट शोज डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना. क्या क्या फिनोमिनाज है वो? डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में अभी आगे पढ़ा भी है और पढ़ना भी है. लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने में. ठीक है, वो एक खाली स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है और कोई मीडियम हो तब भी ट्रैवल कर सकता है. उसके बाद आपने देखा डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ये बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स पे लाइट बेंड होता है, और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा, मतलब लाइट की वेवलेंथ जितना छोटा, इतने कंपैरिजन में. ठीक है, और इस पे आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है. एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन गिवन है तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, एक मार्क में कभी भी पूछ सकते हैं. द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पहला फिनोमिना जिसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? व्हेन अ लाइट रे रिटर्न्स इन इट्स ओन मीडियम आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, ओपेक पॉलिश सरफेस. किसी भी पॉलिश सरफेस से जब लाइट रे टकराती है तो वो अपने मीडियम पर वापस आ जाती है, और उसको आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी में हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर डायग्राम में समझा. ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल कौन सा था? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे बनता है, और ये वाला एंगल क्या होगा? इस एंगल को आप बोलोगे रिफ्लेक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये सारी डेफिनेशंस आपने लिखी थी. एक क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर डील किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस में कहां गलती होती है. कभी भी इंसिडेंट एंगल वो एंगल नहीं होता जो इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में बनता है, वो एंगल होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है. वेरी गुड. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है कि कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा. ये दो लॉज हैं हमारे. पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दूसरा लॉ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन.
और आगे चलें तो हमने इमेज के बारे में बात करी। इमेज दो प्रकार के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज वैसा इमेज होता है जो स्क्रीन के ऊपर कैप्चर हो जाता है, जो कि इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज एक ऐसा होता है जो स्क्रीन के ऊपर कैप्चर नहीं होता, जब तक ऑब्जेक्ट उसके सामने है तब तक वो इमेज वहां रहेगा, ठीक है, और इरेक्ट इमेज बनेगा। उसके बाद आपने प्लेन मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करता है इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये पूछा भी जाता है बहुत बार। तो इस ये वाली वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर से डील करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।